इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो एक सिंपल चीज है कि जिस पार्टनर ने जितने टाइम के लिए बिजनेस को पैसा दिया है, कैपिटल लगाई है, उतने समय का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। जैसे एक पार्टनर ने साल के शुरू में ही जो कैपिटल लगाई थी तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर बीच में इंट्रोड्यूस करता है कुछ पैसा साल के बीचों बीच, तो जितने महीने के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया उसको उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने 6 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया है तो उसको आईओसी कितने टाइम का देंगे, 6 महीने का, और साल पहले इंट्रोड्यूस किया तो पूरे साल का, 9 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया तो। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल बात है कि कितने समय के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। उसमें थोड़ा सा टेढ़ा काम कब आता है, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट एडिक्वेट। अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है तो क्या होगा, या तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में हम आईओसी को क्या मानेंगे, आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन कहता है इट इज अ चार्ज, क्या चार्ज है, आईओसी इज अ चार्ज। तो अगर आईओसी चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, आईओसी अगर एक चार्ज है तो उस केस में व्हाट विल हैपन इफ द आईओसी इज अ चार्ज। तो हम आईओसी देंगे भले ही उसमें प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके ये बात समझाता हूं। कैपिटल्स हैं ए 1 लाख, बी 50,000, आईओसी है 10%, प्रॉफिट है लेट्स से 12,000 रुपए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है लेट्स से 1:1। ये स्टोरी है, हमारे पास प्रॉफिट आईओसी जो निकल कर आता है बेटा 1 लाख का 10% 10,000 और इसका कितना 5,000, तो यानी अगर मैं दोनों को टोटल करूं तो मुझे 15,000 रुपए का आईओसी देना है। कितना देना है, 15,000 का आईओसी देना है, मगर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, तो यानी कि प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट टू पे ऑल द आईओसी। ठीक है, अगर तो ये केस है कि क्वेश्चन साइलेंट है तो जो 12,000 है, इन दिस केस 12,000 को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, या आप कहें इन द रेशियो ऑफ आईओसी, हम इन द रेशियो ऑफ 2:1 में बांट देंगे, यानी 8,000 का आईओसी इसको देंगे 4,000। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस बात का कि भैया जितनी चादर है सिर्फ उतना पैर पसार सकते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी 12,000 की है तो हम आईओसी कितना दे पाएंगे, 12,000 देंगे। किस रेशो में, पीएसआर में नहीं देंगे, कैपिटल की रेशो में देंगे, अगर हमारे पास आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन। और अगर आईओसी एक चार्ज है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ए को देंगे हम इसका छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट कितना बेटा 12,000। अब चूंकि आईओसी चार्ज है तो पूरा आईओसी देना है, ए और बी 10,000 और 5,000। अब इस सूरत में होता क्या है कि भाई आपके पास थे 12,000 और आईओसी देना था 15,000, दे दिया, लेकिन क्योंकि आईओसी चार्ज था, चार्ज मतलब जबरदस्ती देना ही है, आप नहीं रोक सकते, गुंडागर्दी समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपको आईओसी देना है। अब इसमें होगा क्या, 3,000 का लॉस। ये जो 3,000 का लॉस है वो लॉस पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे, ए और बी, 3,000 का लॉस कौन सी रेशो में, इन देयर पीएसआर, पीएसआर क्या है 1:1, तो 1500 का लॉस दोनों बियर करेंगे अगर आईओसी एक चार्ज है और प्रॉफिट इन एडिक्वेट है तो हम आईओसी पूरा देंगे, उससे प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में आएगा और वो नेगेटिव जो है लॉस पार्टनर्स में बटेगा। मैं फिर से बताता हूं, आईओसी कब, जब प्रॉफिट इन एडिक्वेट हो, तो आईओसी एक एप्रोप्रिएशन हो सकता है, आईओसी एक चार्ज हो सकता है। अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी मिलेगा, जितनी चादर उतने पैर पसार।
ठीक है, तो हम उतना ही प्रॉफिट, उतना ही आईओसी हम बांट देंगे। आईओसी है 12, आईओसी है 15,000, लेकिन हमको देना कितना, हमारे पास है कितना, 12,000 रुपए। तो हमने 12,000 को इन द रेशियो ऑफ कैपिटल 2:1 में बांट दिया, 8,000 और 4,000। लेकिन अगर आईओसी चार्ज है तो दो, फिर जो बनता है वो दो। तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट 12,000, आईओसी दे दिया 10 और 5, 15,000, लॉस हो गया 3,000, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दिस विल हैपन व्हेन क्वेश्चन सेज इट इज एन एप्रोप्रिएशन और व्हेन क्वेश्चन सेज नथिंग। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तब ये होगा, है ना। और ये कब होगा, जब क्वेश्चन बोलेगा कि आईओसी चार्ज है,